सब आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो आप अपने फ़ोन में ओप्पो A520 के फ़ोन में जो कि प्राइवेट सेप के फ़ोटो को उसको वो पब्लिक में कैसे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ऐसे तो आप लोगों को मालूम है कि मैंने ऐसे वीडियो बनाया है कि कैसे जो अपने फ़ोटोज़ को हाइड कर सकते हो अपने गैलरी से और कैसे उसे अनहाइड कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे जो आप पब्लिक कर सकते हो। ठीक है, अपने फ़ोटोज़ को गैलरी में कैसे शो करवा सकते हो, कैसे जो है अब हम जो है अपने फ़ोटोज़ को पब्लिक करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर देते। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका एक सब्सक्राइबर और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो अगर आपको अगर आपको फ़ोटो हाइड करना है, मैं स्टार्ट से बता देता हूँ। सपोज़ मैंने गैलरी ओपन किया, सपोज़ देख सकते हो ये मैंने एक पिक्चर ओपन की। ठीक है, देखिए ये अगर ये फ़ोटोज़ आपको हाइड करना है तो आपको सिंपली से मोर में चले जाना है और सेट एज प्राइवेट करके एक ऑप्शन होगा, आपको वहाँ पर टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करेंगे और जैसे ही आप टैप करते हो तो देख सकते हो गैलरी से जो है जो फोटो है वो हाइड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप ये फ़ोटो को देखना है तो आपको सिंपली से फ़ोन के सेटिंग में चले जाना होगा। फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद एक प्राइवेसी करके एक ऑप्शन आपको दिखेगा। चलिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। प्राइवेसी करके एक ऑप्शन दिखेगा, आपको वहाँ सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप सेलेक्ट कर देते हो आपको एक और ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, प्राइवेट सेप। प्राइवेट सेप में जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो आपको यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, आपको यहाँ पासवर्ड देना है, जो भी पासवर्ड आपने रखा है। पासवर्ड देने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देख सकते हो अगर आपने इमेज हाइड किया है तो आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन में टैप कर देना होगा। जैसे आप टैप कर दो तो देख सकते हो ये इमेज मेरा ओपन हो चुका है। अगर आप चाहते हो इसे गैलरी में कैसे पब्लिक किया जाए तो देख सकते हो यहाँ पर सेट एज पब्लिक का एक ऑप्शन होगा। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। सेट एज पब्लिक में आपको जैसे ही टैप कर देते हो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला आ जाएगा कैमरा, सेकंड आ जाएगा स्क्रीन शॉट, तीसरा आ जाएगा स्नैपशॉट। जितने भी आपने फाइल्स यहाँ पर बना के रखी है इनमें से किसी में भी आप जो है वो फोटोज़ को पब्लिक कर सकते हो। सपोज़ मैं चाहता हूँ व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, तो सिंपली सबको व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट्स में सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से देख सकते हो ये गैलरी में चला गया। चलिए मैं आपको गैलरी ओपन करके दिखा देता हूँ। सपोज जैसे कि देख सकते हो एल्बम में मैंने गया और यहाँ पर जैसे ही मैं ओपन किया तो देख सकते हो ये मेरा जो फोटो है टोटली तरीके से गैलरी में सोख होने लगा। अगर आप चाहते हो फिर से हाइड करना तो ऐसे ही करके आप जो हाइड कर सकते हो और अपने गैलरी में इसे पब्लिक कर सकते हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो फाइल्स हो, कोई भी चीज़ हो, इसी सेम टू सेम टेक्निक को यूज़ करके आप जो है अपने फ़ोटोज़ को और ऑडियोज़ को अपने गैलरी में पब्लिक कर सकते हो। उम्मीद करती हूं वीडियो को बहुत पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज कीप वॉचिंग वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।